नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की विधि व्यवस्था का जायजा लेने वरीय पुलिस अधीक्षक अपने अधिकारियों के साथ बीते देर रात निकले सड़कों पर। शहर में बिगड़ती विधि व्यवस्था एवं अवैध कारोबार के खिलाफ भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने किया वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन। झारखंड में आईआईटी, जेईई और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर। कोटा में होने वाली बंसल कोचिंग क्लासेस की जमशेदपुर में शुरुआत, रजिस्ट्रेशन शुरू। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जमशेदपुर पुलिस अभियान के तहत लगातार प्रयास कर रही है। बुधवार को देर रात्रि शहर के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। बीती रात अभियान के जायजा लेने के लिए एसएसपी किशोर कौशल साक्षी स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी चेकिंग प्वाइंट की जाँच की गयी। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान एसएसपी ने कहा कि लगातार जमशेदपुर पुलिस आपराधिक गतिविधियों में रोक लगाने के लिए अभियान चला रही है। इस कड़ी में बुधवार देर रात शहर के सभी थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। कंट्रोल रूम के आदेश पर शहर के कई प्रमुख जगह में चेकिंग लगाई गई, ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए थाना प्रभारी को शहर के निर्धारित चेकिंग प्वाइंट में अभियान के तहत चेकिंग लगाने के लिए कई निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि शहर के आम लोग सुरक्षित रह सके। देखिए, लगातार जमशेदपुर पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए एंटी क्राइम चेकिंग करा रही है। आज की मध्य रात्रि में जो है लड़की चलाई गई है पूरे शहर में, और इसमें भी सभी पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी है, ये सब भी शामिल है। और जो एक क्राइम कंट्रोल को लेकर के जो प्लान्स बनाए गए हैं, रिटर्न प्लान्स बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक कंट्रोल से जिस प्रकार का आदेश दिया जाता है, उस हिसाब से सारे पॉइंट्स पे चेकिंग लगाए जाते हैं, जिससे कि आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम की जा सके और पुलिस की बढ़े। जमशेदपुर शहर में लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं, चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ भारतीय जनतंत्र मोर्चा के आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। इस संबंध में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा जिले के एसएसपी कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, जो कि पुलिस की नाकामी को दर्शा रहा है। इस आलोक में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा द्वारा बर्मामाइंस थाना समेत शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चल रहे अवैध कारोबार में लगाम लगाने के उद्देश्य से आंदोलन का रूप अख्तियार करते हुए जिले के एसएसपी कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हाथों में छोटी छोटी तख्तियां लेकर सभी ने अपने विरोध जाहिर किए। साथ ही इस संबंध में भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन जिले के एसएसपी को सौंपा गया। दो तीन दिनों में के अंतर्गत हम लोगों ने सभी थानों में संपर्क किया, और विधायक जी के द्वारा भी सभी थाना क्षेत्रों में जहां अवैध कार्य हो रहे वहां जा करके जांच की गई, और जब गलत उनको दिखा तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को एसएसपी तक ये मामला संज्ञान में देना चाहिए। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री राम नारायण शर्मा जी, काशीनाथ प्रधान जी, दुर्गा राव जी, शंकर कर्मकार जी सहित मैंने लगभग सभी जगहों से, सभी थाना क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और एसएसपी साहब को हमें मांग पत्र देंगे और सारे अवैध कार्यों को बंद करने की मांग रखेंगे। झारखंड में आईआईटी, जेईई और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जहां आईआईटी, जेईई और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र कोटा का रुख करते हैं, वहीं भारत के नंबर वन बंसल क्लासेस का सेंटर अब झारखंड के जमशेदपुर में होगा। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। यह झारखंड का पहला सेंटर होगा। इसकी क्लासेस के लिए छात्रों को हजारों किलोमीटर दूर कोटा जाने की जरूरत नहीं है। बंसल परिवार ने जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू स्कूल के प्रांगण में ही बंसल कोचिंग क्लास की शुरुआत कर दी है। छात्र अब बहुत कम खर्च में ही आईआईटी, जेईई और मेडिकल की तैयारी कर पाएंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप परीक्षा 14 जनवरी 2024 को होगी। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 8235265640, 8210121147, 8766263849 पर कॉल कर या ईमेल आईडी beta.patna@bansal.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। यह क्लास मोतीलाल नेहरू स्कूल जमशेदपुर के प्रांगण में चलेगी। कोचिंग के लिए सारे शिक्षक एवं मैनेजमेंट बंसल कोचिंग द्वारा कोटा से भेजे जाएंगे, जो यहीं रहकर कोचिंग देंगे। यहां के सेंटर संचालक मनीष कुमार का मोबाइल नंबर 8210121147 और सेंटर डायरेक्टर सिद्धार्थ नीलाप का मोबाइल नंबर
8766263849 पर संपर्क किया जा सकता है। मित्रों, मैं खुद सिविल सर्वेंट रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे IIT के बैचमेट्स थे। जब मैं जमशेदपुर में था तो स्वाभाविक है, जब आपको अपने परिवार में समस्या खड़ी होती है तो आपको समस्या ज़्यादा बेहतर दिखता है। मेरा बेटा जब लोयला से प्लस टू किया तो इसको कोटा भेजने की बारी आई, मगर इसकी माँ ने इसलिए नहीं अलाउ किया, उसने कहा कि कोटा में सुनते हैं डिप्रेशन में आके लड़के कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। स्वाभाविक था, हम लोगों ने इस बच्चे को नहीं भेजा। मेरे दिमाग में उसी दिन आए थे कि जिस दिन मौका मिलेगा, अब नौकरी से हम लोग भी बाहर ही हैं समझ लीजिए, तो इसलिए उसमें कोई बात नहीं था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि क्यों नहीं जमशेदपुर को कुछ ऐसी विधा दी जाए जो कम से कम लगे कि मैं जमशेदपुर में रहा हूँ तो यहाँ के ब्राइट बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। दोस्तों, एक चीज़ बताऊँ मैं कि बंसल से जब बात हुई, बंसल वाले तैयार आसानी से नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जल्दी अपना फ्रेंचाइज नहीं देते हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डाइल्यूट कर दिया जाता है सब। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना शिक्षक दूंगा, मैं अपना टीचर दूंगा, मैं अपना मैनेजमेंट दूंगा, और हमने कहा कि बिल्कुल मेरा डिमांड यही है कि लोकल कुछ नहीं होगा, टोटल बंसल का ओरिजिनल फॉर्म यहाँ आए और बंसल के टीचर्स जिस विधा से वहाँ पढ़ाते हैं, जिसके लिए हजारों किलोमीटर लोग जाके जाते हैं यहाँ से दौड़ के, वो आके यहाँ पढ़ाएं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर नवगठित उद्यमी संगठन इसरो का प्रतिनिधि मंडल जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन से मिला, जहां औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। जियाडा क्षेत्र निदेशक के साथ आयोजित औपचारिक बैठक के दौरान अध्यक्ष समेत नवगठित प्रतिनिधि मंडल ने आपसी परिचय प्राप्त कर औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से क्षेत्रीय निदेशक को अवगत कराया, साथ ही समस्याओं के निराकरण को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य रूप से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सड़कों को चकाचक बनाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं जियाडा क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने संगठन द्वारा उठाए गए समस्याओं को शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अध्यक्ष रूपेश कतरियार ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित RIT मोड़ से फेज 2 से 3 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क और सुधा डेयरी मोड़ की तात्कालिक मरम्मति कराने का आग्रह किया। इसके अलावा निदेशक से उद्यमियों की अन्य समस्याओं पर चर्चा भी की। दूसरी फेज 1, 3 और 4 की करीब 400 उद्योगों के लिए अन्य पुल के साथ चौड़ी सड़क की मांग प्रमुखता से की गई है। इस मौके पर मुख्य रूप से महासचिव संदीप मिश्रा और कोषाध्यक्ष उत्तम कुमार चौधरी, HR जैन, विकास गर्ग, समन सिंह, शंभू जायसवाल, अमलेश झा, पंकज झा, सौरभ चौधरी आदि उपस्थित थे। मीटिंग मतलब एक, जैसा आप लोग को तो मालूम ही है कि एक नए संगठन का गठन हुआ है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसमें सभी लघु उद्यमी मेंबर बन रहे हैं और सभी का जो समस्या है उसके निवारण के लिए संगठन होता है। तो हम लोग आयडा जो है एक पेरेंट बॉडी है इंडस्ट्रियल एरिया का और जितने भी औद्योगिक संगठन, तो हम लोग कुछ डिमांड को लेकर के और एक उनको यहाँ के जो RT है प्रेम रंजन जी, उनसे एक औपचारिक मुलाकात, उनका अभिनंदन स्वागत, एक परिचयात्मक बैठक के लिए हम लोग यहाँ पर आए और काफ़ी अच्छे माहौल में उनसे बातचीत हुई, अपना परिचय भी दिया और दो छोटी छोटी बातों की हम लोगों ने चर्चा की कि बाकी विकास का काम तो चलते रहेगा। एक आप लोग देखे होंगे RIT मोड़ से अंदर जाने के वाले रास्ते में रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, उसकी भी आए दिन जाम रखता है। तो हम लोगों ने ये बोला है, उनसे आग्रह किया है कि जब रोड पुनः निर्माण होगा तो वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल राहत देने के लिए उसको स्लैग से कम पैचवर्क कर दिया जाए कि आने जाने में लोगों को सुविधा हो, जाम ना हो और एक्सीडेंट ना हो। और सेम स्थिति जो है सुधा डेयरी के पास के भी रोड की है, जहाँ पर आने जाने में गाड़ियाँ का एक्सीडेंट होना, जाम लग जाना, मतलब काफ़ी जो गड्ढा बना हुआ है, तो इमीडिएट रिलीफ देने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया। और एक और डिमांड हम लोगों ने आज रखा है कि चूँकि RIT मोड से जब जाते हैं तो Phase 1, Phase 2, Phase 3 इंडस्ट्रियल इस्टेट सभी कवर करते हैं और उस एरिया में वहाँ से वहाँ तक करीब 400-450 इंडस्ट्रीज है, क्योंकि पहले वही फेज में डेवलपमेंट शुरू हुआ था। तो वहाँ आने जाने के लिए उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, तो एकमात्र अप्रोच रोड है और एकमात्र ब्रिज है, तो कभी भी दुर्भाग्य से वहाँ पर दुर्घटना हो जाता है, जाम लग जाता है, तो पूरा आवागमन ठप हो जाता है। तो हम लोग ने बोला है कि इसको योजना बनाते हुए आग्रह किया है RD साहब से
कि उस रोड का चौड़ीकरण हो, फोर लेनिंग हो और एक और ब्रिज बने। पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई विधानसभा स्थित पूर्वी पंचायत हल्दुबनी में झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार को शिविर में मुख्य अतिथि विधायक मंगल कालिंदी व सम्मानित अतिथि पूर्वी मुखिया पानु मुर्मू एवं पश्चिमी मुखिया सुमन सिरका, जिला पार्षद पूर्णिमा मलिक शामिल हुए। विधायक ने शिविर में लगे बिजली विभाग, पेंशन विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग सहित सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेने के लिए शामिल हुए। मौके पर विधायक ने कहा कि अलग राज्य गठन के बाद झारखंड में हेमंत सरकार ही पहली सरकार है जिन्होंने झारखंड की जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता की है। हेमंत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक योजना लेकर पहुंच रही है ताकि सभी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सोच है कि झारखंड के किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लोगों को सरकारी योजना का लाभ कैसे पहुंचे। और आज यही कारण है कि राज अलग हुए 23 वर्ष हो गए। 23 वर्षों में कई सरकारें आई गई, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी योजना राज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा जो किया जा रहा है, गांव शहर के किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लोगों को सरकारी योजना का लाभ उनके घर तक कैसे पहुंचाए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सरकार का सोच होना चाहिए। लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजना और सोच है कि रोटी, कपड़ा और मकान कैसे हम पहुंचाएं जनता के बीच में। और यही कारण है कि पहला राउंड जो चला था उसमें 36 लाख लोगों को सरकारी योजना का लाभ उनके घर तक पहुँचाने का काम किया गया। दूसरे चरण में 56 लाख लोगों को सरकारी योजना का लाभ उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। ये तीसरा चरण है। तीसरा चरण में लाखों लोगों को ये सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। आज आप देख रहे हैं शिक्षा के मामला में भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड, सावित्री भाई फूले योजना, ये सब बच्चों को शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाना। और राज्य में ये पहला इतिहास पहल किया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, जो झारखंड के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा है। एक कई कोई राज्य में नहीं, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने इतिहास रचने का काम किया। दिल्ली के महाराज सदन हॉल में गंगा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को जल पुरुष राजेंद्र सिंह के द्वारा श्रुति शर्मा पांडे को जल प्रहरी सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दें, डीएम के कार्यकाल में श्रुति शर्मा पांडे ने वर्ष 2023 के मई जून में विलुप्त हो रहे नोन नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया था। साथ ही बांके बिहारी व बिंदकी में जन सहयोग से तालाबों को जल संरक्षण का मॉडल बनाने का काम किया। उन्होंने अलग अलग गांवों में 198 तालाब खुदवाए थे। उनके द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होकर जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग ने जल प्रहरी सम्मान प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। यह देश के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर जल शक्ति कमेटी के चेयरमैन प्रभात भाई पटेल, गोपाल शेट्टी, उमेश पाटिल, बलवीर सिंह शिचेवाल मौजूद रहे। जमशेदपुर के कदमा रामनगर निवासी एक जरूरतमंद परिवार के इलाज हेतु भाजपा व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह आगे आए। केवल 5 दिनों के भीतर उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड तैयार करवाया ताकि समय पर उक्त व्यक्ति का पूर्ण इलाज संभव हो सके। बता दें कि यह परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और घर में एकमात्र रोजगार करने वाला व्यक्ति ही बीमार चल रहा है। इनके द्वारा राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कई दफ्तरों का चक्कर लगाया गया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने भाजपा नेता नीरज सिंह से संपर्क साधा। उन्होंने केवल 5 दिनों के भीतर ही जरूरतमंद परिवार का राशन तथा आयुष्मान कार्ड बनवाया, जिससे कि अब उनका इलाज संभव होगा। जरूरतमंद परिवार के सदस्यों ने इसके लिए नीरज सिंह का आभार भी व्यक्त किया। वहीं भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि यह इलाका राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का है, लेकिन इसी इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना ऐसे जरूरतमंदों के लिए वरदान है और इसका लाभ प्रत्येक जनता तक पहुँचे, यही भाजपा का प्रयास है। कदमा के इस बस्ती में है, रामनगर रोड नंबर 2 में, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पता चला कि इनके घर में ये परेशानी है। इनके घर से लोग हमारे कार्यकर्ता के घर गए और उनसे संपर्क साधा और उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि घर में ऐसे बीमारी है और आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और हम दवा भी नहीं करा पा रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग का फ़र्ज़ है कि हम लोग मदद करें, और हम लोग आए और इनका सब कुछ देखा हम लोगों ने। जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं था, हम लोगों ने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को लगा के अपने चलंत कार्यालय से मैंने इनको तुरंत 4 दिनों में राशन कार्ड बनवाया, और आज इनको आयुष्मान कार्ड बना के 5वां दिन इनके हाथ में दे रहे हैं ताकि इनका इलाज सही समय पर सही तरीके से हो सके। तो ये एक, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये पूरे भारत में बहुत बड़ा मुहिम है, अंतिम व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है उनके लिए आयुष्मान कार्ड एक वरदान की तरह साबित हो रही है। उसी की तरह तहत हम लोगों ने इनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया और इनका सुचारू रूप से इलाज होगा। लेकिन मेरा कहने का एक सबसे बड़ा जो अर्थ है कि आप देखिए, जो झारखंड की जो वर्तमान सरकार है कहाँ सोई हुई है। हम उनके कंस्टिट्यूएंसी में, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी के कंस्टिट्यूएंसी में है, और उनके कंस्टिट्यूएंसी में, उनके विधानसभा में लोग दवा के अभाव में परेशान हो रहे हैं, लोग जगह जगह घूमे फिर रहे हैं लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। ये कैसा उनका स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे चला रहे हैं और झारखंड सरकार कैसे चल रही है, आपके आँख के सामने है। इसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक हम लोग को लेना चाहिए कि एक स्वास्थ्य मंत्री और एक झारखंड सरकार दोनों लोग हैं और उनके कंस्टिट्यूएंसी में ऐसी हालत है, तो न जाने और पूरे राज्य में क्या हालत होगा। प्राउथ यूनिवर्सल की ओर से 5 दिवसीय उपयोगिता प्रशिक्षण शिविर 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक गदरा आनंद मार्ग जागृति में आयोजित हो रहा है। इस विषय में जानकारी देते हुए मुख्य वक्ता प्राउटिस्ट यूनिवर्सल के आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत ने बताया कि 5 दिवसीय उपयोगिता प्रशिक्षण शिविर में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए योग साधना, आसन, प्राणायाम के साथ साथ मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक दिन क्लास लिए जाएंगे। देश और विदेश से आए प्राउटिस्ट इस शिविर में शामिल होंगे। योग तत्व की विशेष जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप, जिसको कि शॉर्टकट हम लोग UTC कहते हैं, यह आनंद मार्ग आश्रम है गदरा में। यहाँ हम लोग गरीब बच्चों को भी पालते हैं। योगा मेडिटेशन का सेंटर है तथा प्रौत की विशेष जानकारी देने के लिए स्टडी सर्कल के रूप में भी हमारे क्लासेस लगते हैं। वहाँ 5 दिवसीय ये जो कैंप होगा, इसमें कि दिल्ली सेक्टर मतलब दूसरे शब्दों में एशिया कंटिनेंट, जिसमें भारत तो है ही है, बांग्लादेश, श्रीलंका, काठमांडू मतलब नेपाल, इस तरह से एशिया कंटिनेंट के लोग आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं 150-200 के लगभग इन युवक लोगों को, विद्यार्थी लोगों को, स्टूडेंट लोगों को, किसान लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आदर्श नेतृत्व निर्माण के लिए योगा मेडिटेशन का सहारा लेते हुए, जो कि आध्यात्म के माध्यम से नैतिक नेतृत्व तैयार हो सकता है, और ऐसे नैतिक नेतृत्व के माध्यम से प्रवृत्त, जो कि त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद का विकल्प है, इसकी जानकारी दी जाएगी, जो कि आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसा कि बेरोजगारी आज बेहताशा बढ़ रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN News की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।